नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप सभी दर्शक, मैं आपके साथ निशेश शर्मा। 19 वर्ष से कम लड़कों की खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन इस बार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ में किया गया और आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। दूसरे दिन का पहला मुकाबला देवठी मझगांव वर्सेज कढ़ोल पिडक के बीच में खेला जा रहा है। काफ़ी अच्छे मुकाबले आज कबड्डी के होंगे, इसके बाद भी मुकाबले होंगे जिसमें दीदग का भी कबड्डी का मुकाबला होगा और दूसरी तरफ जो है वॉलीबॉल का मुकाबला चला हुआ है। तो जैसी जैसी मैचों की जानकारी हमें मिलती रहेगी आप सभी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आज सुपर संडे, आज काफ़ी अच्छे मैच हो गए। बनोग वर्सेज सोनोरा के बीच में कबड्डी का मुकाबला खेला जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा इस खेल कूद प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण दिखाने का, ताकि आप घर बैठे ही इस प्रतियोगिता का आनंद ले सके। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हैं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप कौन से क्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, क्योंकि ये खंड स्तरीय प्रतियोगिता है और राजगढ़ शिक्षा खंड के अंतर्गत जितने भी स्कूल है, चाहे वह उच्च विद्यालय है या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, उस सभी विद्यालय के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जो अगला जो मुकाबला खेला जाना है, चंबीधार वर्सेज सनियो दीदक के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा और ये कबड्डी के दूसरे हाफ का मुकाबला चला हुआ है। 50 कढ़ोल पिडक, 47 देवठी मझगांव, 3 अंकों की बढ़त यहां पर कढ़ोल पिडक की बनी हुई है और इसके बाद हाई वोल्टेज मुकाबला चंबीधार वर्सेज दीदक के बीच में खेला जाएगा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रियांश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 3 अंकों की बढ़त यहां पर कढ़ोल पिडक की है, लेकिन जिस तरह के खिलाड़ी देवठी मझगांव में है, काफी कद, काफी हाइट और वजन में काफी भारी है इन नन्हे खिलाड़ियों से। सुपर रेड बेशक पतले दुबले ये खिलाड़ी है, लेकिन अच्छा प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है और कढ़ोल पिडक की लीड यहाँ पर 5 अंकों में बदलती हुई।
राजेश ठाकुर जी जो ये मैच खेला जा रहा है किढोल पीड़क वर्सेस देवठी मजगांव, सामने जो टीम देख रहे हैं देवठी मजगांव और किढोल पीड़क की यहां पर रेड। और सभी दर्शकों को मैं आज बताना चाहूंगा कि आज सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी रहेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी जाएगी विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा। तो 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और यह कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा और लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे। राजेश ठाकुर जी दीदक का मैच खेला जाएगा चंबीधार के साथ। दीदक वर्सेस चंबीधार के बीच में अगला कबड्डी का मुकाबला खेला जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। कार्तिक जी बिल्कुल जी, लाइव प्रसारण हम आपको कबड्डी के मुकाबले का दिखाएंगे, चंबीधार वर्सेस सनियो दीदक के बीच में अगला कांटे की टक्कर का यह मुकाबला। जैसे जैसे मैचों की जानकारी हमें मिलती रहेगी आप लोगों के साथ साझा करेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जानकारी देने का हमारा प्रयास रहेगा। सुनील कुमार जी, जो सांस्कृतिक संध्या रहेगी आज की और कल की, इसमें स्कूली छात्र भाग लेंगे और ये 6 बजे से शुरू हो जाएगी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ के प्रांगण में। ये कबड्डी का दूसरा हाफ चला हुआ है किढोल पीड़क वर्सेस देवठी मजगांव के बीच और इसके बाद मैच शुरू हो जाएगा चंबीधार वर्सेस सनियो दीदक। जुदोल वालों का मैच कब होगा ये जानकारी भी हम देंगे आपको जैसी जानकारी हमें मिलेगी। शानदार मुकाबला खेला जा रहा है देवठी मजगांव वर्सेस किढोल पीड़क। अखिल जी जो सनोरा का मैच है भनोग के साथ होगा और काफी कांटे की टक्कर का ये मुकाबला, लगभग दोपहर के बाद ये मुकाबला होगा ऐसी जानकारी हमें मिली है। स्कोर छप्पन चौगन, 56 ढोल पीड़ा, 54 देवठी मजगांव।
कांटे की टक्कर का ये मुकाबला चला हुआ है। पचपन छप्पन और 5 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। और यहाँ पर अंक तालिका बराबर 56 ढोल पीड़ा 56 ज्योति मचगांव। और यहाँ पर जीता हुआ मैच हाथ से निकलता जा रहा है ढोल पीड़ा का 57-56 और कहा ढोल पीड़ा 11 अंकों की बढ़त के साथ आगे चला हुआ था। और 2 अंकों की बढ़त यहां पर देवठी मचगांव की। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है दीदक वर्सेस चंबीधार के बीच। और 3 अंकों की बढ़त यहां पर देवठी मचगांव की और 1 अंक हासिल किया जर्सी नंबर 18 खिलाड़ी ने ढोल पीड़क के हाथ से। ये निकलता जा रहा है मैच और समय भी काफी कम बचा हुआ है। बासठ 57 5 अंकों की बढ़त यहां पर अंतिम मिनट का खेल शायद। यहां पर टाइम आउट लिया गया है देवठी मचगांव से। यह जो मुकाबला चला हुआ है ढोल पीड़क वर्सेस देवठी मचगांव। पांच मिनट का खेल शेष बचा हुआ है और 7 अंकों की बढ़त यहां पर देवठी मचगांव की बनी हुई है। जर्सी नंबर 18 रेड यहां पर देवठी मचगांव की तरफ से। अब देखना यह होगा कि किस तरह से ढोल पीड़क वापसी कर पाती है या देवठी मचगांव टीम के आगे घुटने टेक देती है। वीरेंद्र शर्मा जी, दीदक का अगला मैच है दीदक वर्सेस चंबीधार, तो बेसब्री से लोगों को इंतजार है इस मैच का। कुछ ही क्षणों के बाद यह मैच शुरू होगा और उसकी हम लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे।
तीन मिनट का खेल शेष बचा हुआ है, 6 अंकों की बढ़त देवठी मिसगांव। दो मिनट का खेल शेष और 5 अंकों की बढ़त यहां पर गोल की रखी और बढ़त को घटत में लाते हुए ये खिलाड़ी। सुपर टैकल ऑन, जल्दी पीछे और 1 अंक देवठी मिसगांव। और यह मुकाबला लगभग देवठी मिसगांव के पक्ष में जाता हुआ। अंतिम 2 रेड शेष बची है, 1 मिनट का खेल शेष। खेल यहाँ पर शायद अंतिम रेड। सुनोरा का कबड्डी का मुकाबला भनोग के साथ। और इस मुकाबले में देवठी मिसगांव विजयी। अगला मुकाबला कुछ क्षणों के बात शुरू होगा, उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चंबीधार वर्सेस सनियोदी तक, तब तक मैं आप लोगों से लेता हूं विदा।